हेलो फ्रेंड, डेटा सानू के एक नए एपिसोड में मैं मन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ वर्डप्रेस और ब्लॉगर के बीच में डिफरेंस, कौन सा साइड में आपको अपना वेबसाइट बनाना चाहिए, सारे डिटेल्स मैं आपका आज क्लियर करूँगा। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं डेली टेक वीडियो लाता हूं, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबाओ ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरे वीडियो को शुरू किया जाए। पहले फ्रेंड्स हम वर्डप्रेस और ब्लॉगर की ओनरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। ओनरशिप के बात करें तो गूगल ने 2003 में ब्लॉगर को खरीद लिया था पीएल एप्स कंपनी से, और उसको अभी गूगल चला रहा है। मतलब आप जो भी डाटा सेव करेंगे वो गूगल के सर्वर में रहेगा, आप उसका नियंत्रण नहीं कर सकते। गूगल आपका वेबसाइट जब चाहे बंद भी कर सकता है, जब चाहे ओपन भी कर सकता है, आप एक ब्लॉगर अकाउंट में आप 100 अकाउंट तो खोल सकता है, लेकिन ब्लॉगर का जो पूरी तरह से सर्वर होता है गूगल के ऊपर नियंत्रित होकर रहता है। मतलब आपको उसके लिए कोई भी नहीं, आप वेबसाइट के लिए सिर्फ कंटेंट लिखते हैं लेकिन उसका ओनर नहीं रहते। लेकिन वर्डप्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स नेटवर्क है। मतलब आप अपना वेबसाइट का मालिक खुद ही रहते हैं, आप अपना होस्टिंग हो गया, सर्वर हो गया, खुद आप अगर आप वेबसाइट में कुछ भी होता है तो आप उसका रिस्क लेंगे। मतलब आपका वेबसाइट पूरी तरह से आपकी रहता है। अब फ्रेंड्स आते हैं दोनों की कंट्रोल की तरफ। कंट्रोल की बात करें तो ब्लॉगर में आप बहुत ही सिंपल टू यूज है, आप ज़्यादा कुछ इसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। जो 10-12 टेम्पलेट आएंगे, जो 10-12 थीम आएंगे, उसको आप ज़्यादातर चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन वर्डप्रेस आपको, जैसे ही मैंने पहले बताया, एक ओपन सोर्स नेटवर्क है, इसलिए बहुत सारे नेटवर्क उसके लिए थीम बनाते हैं, आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आप अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा वेबसाइट खड़ा करना है तो आपको कंट्रोल के लिए वर्डप्रेस एक बेस्ट है, क्योंकि ब्लॉगर में आप ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन भी नहीं कर सकते। जो उसका टेम्पलेट पहले से दिया हुआ होगा या 10-12 टेम्पलेट होगा ऐसे ही आप दे सकते हैं, ज़्यादा कुछ आप ब्लॉगर में कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। सिक्योरिटी की बात करें तो गूगल सबसे आगे है, इसलिए ब्लॉगर का जो वेबसाइट होता है आप काफ़ी हद तक गूगल उसको नियंत्रित करता है, इसलिए ब्लॉगर का वेबसाइट काफ़ी हद तक सिक्योर रहता है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस की बात करें तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका वेबसाइट है, आपका सब कुछ है, इसलिए आपका उस पर पूरी तरह से नियंत्रण है। आपको खुद से सेल्फ होस्टिंग आपको लेना पड़ेगा और आपको खुद से ही वो साइट को सिक्योर बनाना पड़ेगा। इसलिए सिक्योरिटी के मामले में ब्लॉगिंग आगे है, ब्लॉगर आगे है वर्डप्रेस से। हालांकि दोनों में ज़्यादा कुछ तो डिफरेंट नहीं है। आप वर्डप्रेस में भी आप चाहें तो बहुत सारे थर्ड पार्टी सिक्योरिटी प्लॉगिन आते हैं, आप इंस्टॉल करके अपने साइट को भी सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन एक फ्रैंक ओपिनियन की बात करूँ तो ब्लॉगर ज़्यादा सेफ है वर्डप्रेस। और फ्रेंड्स दोनों के एसईओ की बात करें, मतलब सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, आपका वेबसाइट कितना रैंक करेगा, इसमें ब्लॉगर थोड़ा आगे है लेकिन वर्डप्रेस इतना पीछे भी नहीं है। आप बहुत सारे प्लॉगिन आते हैं जिसके मदद से आप एसईओ करा सकते हैं अपना वर्डप्रेस के वेबसाइट पर, तो एसईओ के मामले में भी वर्डप्रेस ज़्यादा पीछे नहीं है ब्लॉगर से। आप ब्लॉगर से एक्स्ट्रा प्लॉगिन डालकर आपने अपने वेबसाइट को रैंक नहीं करा सकते, लेकिन वर्डप्रेस में ऐसा होता है, आप अपने आप से बहुत सारे प्लॉगिन आते हैं, बहुत सारे एसईओ फ्रेंडली प्लॉगिन आते हैं जिसको आप डालकर अपने साइट को रैंक कर सकते हैं। इसलिए एसईओ के मामले भी आप वर्डप्रेस में बहुत आगे देखने को मिलेगा। आज मैंने आपको बताया ब्लॉगर और वर्डप्रेस के बीच में डिफरेंट। हालांकि ये वीडियो में तो ज़्यादा कुछ डिटेल्स के बारे में नहीं था, मैं आगे से आपको एक ट्यूटोरियल भी दूंगा वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट कैसे बनाते हैं और ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट कैसे बनाते हैं। अगर आपके एक सिंपल सा वेबसाइट बनाना है, कुछ उसमें कस्टमाइजेशन नहीं करना है, सिंपल आपको रखना है तो ब्लॉगर में कर दीजिए, आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक अच्छे से वेबसाइट, एक सुंदर वेबसाइट बनाना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वर्डप्रेस में बना लीजिए, ताकि मैं भी वर्डप्रेस यूज कर चुका हूं और ब्लॉगर भी यूज कर चुका हूं। मुझे दोनों में से वर्डप्रेस ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ब्लॉगर में आपको ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कुछ टेम्पलेट उसमें डाले हुए होते हैं ऐसे ही होते हैं, और ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन भी आप नहीं कर सकते। तो मेरा ओपिनियन की बात करूँ तो मैं वर्डप्रेस को ही आगे रखूँगा ब्लॉगर से। अगर आपको वीडियो में 1% भी लगा, मैं आपको एक सजेशन देने के लायक हूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुँचा दें। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना।